नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑटोमोबाइल की दुकान में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैक्टर ट्रॉली से रिलेटेड पार्ट्स, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो पार्ट्स लगते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड कुछ जानकारी हो पाए और आप अपने ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अगर स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप कर रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत आपको पता पड़ जाए कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं। तो उनके बारे में बताऊंगा, जो पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है उन सब के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और आपके कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से रिलेटेड पार्ट्स। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से रिलेटेड पार्ट्स में सबसे पहले आती है हाइड्रोलिक पाइप। हाइड्रोलिक पाइप में ये देख सकते हैं, ये एक छोटी साइज़ में हाइड्रोलिक पाइप आती है और एक ये बड़ी वाली हाइड्रोलिक पाइप आती है। ये देख सकते हैं आगे, ये आप हाइड्रोलिक पाइप आती है। ठीक है, तीन तरह की हाइड्रोलिक पाइप आती है, एक ये वाली आती है और एक इससे थोड़ी बड़ी आती है। ठीक है, और एक तीसरी वाली आती है, वो बेंजो टाइप में आती है। तीन तरह की हाइड्रोलिक पाइप आती है, तो आप हाइड्रोलिक पाइप अपने होलसेलर से पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगा। ये ट्रैक्टर ट्रॉली की हाइड्रोलिक पाइप होती है और इसके बाद में हाइड्रोलिक पाइप हो गई, और ये हाइड्रोलिक की ऑयल सील्स होती है। ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोलिक की ऑयल सील होती है। अलग अलग हाइड्रोलिक जेक आता है जिससे कि वो ट्रॉली ट्रॉली को प्रेशर से उठाया जाता है, तो उसमें ये जो ऑयल सील लगती है वो ये ऑयल सील होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग ऑयल सील्स आती है, तो ये आप अपने होलसेलर से पूछ के ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉली का पार्ट्स हो गया और ये ट्रैक्टर ट्रॉली का हब हो गया। ठीक है, व्हील का हब होता है जिससे व्हील फिट होता है, उस हब को ये हब बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो हब में बेरिंग्स लगते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि 32216 हो गया और 32213, किसी में 32212। ठीक है, इस ये 32216 और 32213 इस टाइप के हब में बेरिंग लगते हैं, तो ये चीप बेरिंग थोड़े से रखने होते हैं हब के लिए। ठीक है, तो ये हब के बेरिंग्स हो गए। ठीक है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली की पाइप से सारी वही पाइप से जो मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, और इसमें भी हम क्वालिटी रखते हैं, ये थोड़ी सी लाइट क्वालिटी की थी, यानी कि थोड़ी सी डाउन क्वालिटी थी, और ये आप देख सकते हैं ये और महंगी क्वालिटी की थोड़ी पाइप से, उसी में ट्रैक्टर ट्रॉली में महंगी ट्रॉली पाइप्स हो गई। ठीक है, तो हाइड्रोलिक पाइप बोलते हैं जिसे। ठीक है, और इसी हाइड्रोलिक पाइप के अंदर लगता है ये मेल फीमेल कपलिंग। इन हाइड्रोलिक पाइप का ये मेल फीमेल कपलिंग होता है, जो इस तरीके से दिखता है, ये आप देख सकते हैं, ये मेल फीमेल कपलिंग जो इन हाइड्रोलिक पाइप को कनेक्ट करता है। तो इसे हाइड्रोलिक पाइप का ये आप देख सकते हैं मेल फीमेल कपलिंग। ठीक है, और ट्रॉली से रिलेटेड जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रॉली का हुक आ गया। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रॉली का हुक आ गया। ठीक है, ये ट्रॉली का हुक बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रॉली के अलग अलग कनेक्ट करने की चीज़ें आती है, जैसे कि ये हो गई कनेक्ट करने का ट्रॉली का। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये पाटला, ये देख सकते हैं ये पाटला हो गया। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये टॉपलिंग्स हो गई। ठीक है, लेवलर को कनेक्ट करने के लिए टॉपलिंग्स आती है, ये टॉपलिंग्स हो गई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ऐसा आप कंप्लीट रेंज ट्रॉली की रखनी होगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली की कंप्लीट रेंज में आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक पाइप आ गई और ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ये हुक वगैरह आ गए, पाटला आ गया, और ये जो कनेक्टिंग जो भी इस ट्रॉली से कनेक्टिंग जो भी स्पेयर पार्ट से वो हो गए। ठीक है, और ट्रैक्टर ट्रॉली का कबानी पार्ट्स तो सेम जो बड़ी व्हीकल्स में लगता है वैसा ही कबानी का पार्ट्स उसमें भी लगता है, वो अपने होलसेलर से पूछेंगे आपको बता देगा वो। ठीक है, तो ये था ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक से रिलेटेड पार्ट्स। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।